तो चलिए आज बनाते हैं पनीर रोल। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में और एक बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर रोल बनाना। इसके लिए प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च को पहले से मैं कट करके रख लिया था। कम ऑयल यूज़ करें, ठीक है। कम ऑयल डालकर आप अच्छे तरीके से जो आप कट करके रखे हैं उसको अच्छे तरीके से फ्राई करें और इसमें पनीर ऐड कर दें और सारा मसाला ऐड कर दें। जैसे इसमें चिल्ली पाउडर यूज़ किया हूँ, हल्दी पाउडर यूज़ किया हूँ, टमाटर सॉस यूज़ किया हूँ और चिल्ली मसाला यूज़ किया हूँ। इसमें यूज़ करके आप अच्छे तरीके से प्याज को, पनीर को, टमाटर को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए। फाइनली रेडी हो गया। इसमें धनिया के पत्ते को डाल दें और ये पराठा बना लें। तो मैं बना रहा हूँ लच्छा पराठा। यहाँ पे आप चाहें तो नॉर्मल पराठा भी बनाकर उसमें फिलिंग्स कर सकते हैं पनीर का। तो ये फाइनली देखिए मेरा ये पराठा रेडी हो रहा है। फाइनली जब पराठा रेडी हो जाता है तो आप जो पनीर फ्राई करके रखे हैं उसको अच्छे तरीके से पराठे पर फिलिंग करिए और डालिए, ठीक है। और डालने से पहले आप पराठे पे अच्छे तरीके से सॉस लगा लें, टमाटो केचप का सॉस लगा लें और जो फिलिंग रेडी करके रखा है पनीर का उसे डाल दें और अच्छे तरीके से नीचे पेपर रख के अच्छे तरीके से पहले इसे रोल कर लें पराठे को। उसके बाद पेपर में इसे अच्छे तरीके से रोल करें और जब रोल हो जाए, फाइनली मैं एक रोल कर चुका हूँ और दूसरे को भी रोल कर लिया और देखिए काफ़ी कितना टेस्टी लग रहा है देखने में।